एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमलेस ब्यूटी टिप्स। और मैं हूं श्वेता। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नाइट स्किन केयर पे एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नाइट स्किन केयर भी मॉर्निंग स्किन केयर की तरह उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना आप लोगों को टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है क्लिंजिंग। मॉर्निंग में हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, बट नाइट में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ें बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़, अगर वो ओवरनाइट हमारे फेस पे रहती है तो उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपना नाइट स्किन केयर बिल्कुल नेचुरली कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी, जो कि सिर्फ 20 रुपीज़ का था। आप लोग चाहें तो जो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी आती है उसको मिक्सर में ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पेस्ट बनाकर। इसे गीला करके मैंने अच्छे से इसे अपने हाथों पर रब कर लिया है। उसके बाद मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। 2 मिनट तक आपको अपने फेस के ऊपर जेंटली मसाज करनी है। मुझे डार्क सर्कल्स भी हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे अपनी अंडर आई के नीचे और ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। आपको अपनी नेक को भी अच्छे से क्लीन करना है। 5 मिनट के लिए मैं मुल्तानी मिट्टी को ऐसे ही अपने फेस पे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करती है, साथ ही डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी कम करने में हेल्प करती है। साथ ही जिन लोगों की नेचुरल स्किन टोन जो है चला जाता है, बट मुल्तानी मिट्टी अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल स्किन कलर है वो वापस आ जाता है। इससे फेस को वॉश करने के बाद आपको किसी भी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती है। सेकेंड स्टेप आता है टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास पतंजलि का रोज़ वाटर है। इसके अलावा मैं द नेचुरल वॉश का भी रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग ईजिली परचेज कर सकें। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है। थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। और मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको अपने फेस पे किसी क्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नेचुरल वाला एलोवेरा। मैंने एक छोटा सा पीसेस का कट कर लिया है और इसको थोड़ा प्रेस कर लिया ताकि इसका अंदर का जो जेल है वो बाहर आ जाए, और मैं डायरेक्टली इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। आप इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में रब करें। एलोवेरा एक्ने को क्योर करने में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको हल्की सी ईचिंग हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है और इसको लगाने के बाद रेडनेस हो रही है तो आप जल्दी से अपना फेस वॉश कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सारी चीज़ें सभी को सूट करती है। मैं अपने नेक पर भी इसे अप्लाई करती हूँ। एलोवेरा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है। और अगर फेस पर अप्लाई करने के बाद ये बच जाता है तो मैं इसे अपनी बैक पर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे बैक पर थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं और ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। सभी लोगों के घर पे एलोवेरा का प्लांट अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर आप लोगों के पास नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो आप लोग मामा अर्थ का एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं या फिर पतंजलि का एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी मेरा मन नहीं करता है प्लांट को लेकर आने का तो मैं ये दोनों वाले एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। इन दोनों का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग ईजिली वहाँ से परचेज कर सकें। अगला स्टेप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ यू ऑल कैन सी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, तो डार्क सर्कल्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑलमंड ऑयल। और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैंने अपने 1 kg ऑलमंड जो थे वो मार्केट में दिए थे और उन्होंने उसमें से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करके मुझे दिया है, तो ये बिल्कुल प्योर है और नेचुरल है।
तो इस ऑयल को मैं अपनी अंडर आई के नीचे अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ऐसे अप्लाई नहीं करती हूँ, बहुत ही हल्का करती हूँ। मेरी जो रिंग फिंगर है मैं उस पर इसे थोड़ा सा ले लेती हूँ और ऐसे डैब डैब करके मैं अप्लाई करती हूँ अपनी अंडर आई पर और यहाँ पर भी। अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से असर करते हैं। बट मैं वो कभी कभी ही यूज़ करती हूँ, मैं जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं ज़्यादातर बस यही अप्लाई कर लेती हूँ। एंड द लास्ट स्टेप इज़ लिप मास्क। लिप्स को मॉइस्चराइज रखना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस इज़ मक्खन। हमारे घर पर जो है ये हमेशा अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वो भी नहीं है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल लिप मॉइस्चराइज़र आ रहे हैं, जैसे वैसलीन हो गया, ईवा का हो गया, निविया हो गया, तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसे अप्लाई करूँगी लिप्स पर। मैं लगाते टाइम थोड़ा सा खा भी लेती हूँ, बट जितने अच्छे से ये मॉइस्चराइज़ करता है इतने अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट जो है मॉइस्चराइज़ नहीं करता है। और मैं रात को हमेशा यही यूज़ करती हूँ, उससे मेरे लिप्स कभी भी नहीं फटते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। डन। अगर आप लोग लिप्स पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो चीज़ आपके घर में हमेशा ही अवेलेबल होती है, वो है सरसों का तेल। अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले सरसों का तेल अपनी नाभि में अप्लाई करेंगे तो आपको लिप्स पर कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे आपके जो लिप्स होते हैं वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा नाइट स्किन केयर। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरा नाइट स्किन केयर जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है, इजी है और चीप भी है। नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाना है उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के अलावा, कि आप लोगों को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ वेयर मास्क, स्टे सेफ, स्टे होम। और आप सब लोग जानते होंगे कि अभी 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को भी वैक्सीनेशन लग रही है, तो प्लीज़ गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन कोविन और वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।